अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ चिकन मैक्रोनी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। चिकन मैक्रोनी के लिए सबसे पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उसके लिए मैंने दो चिकन ब्रेस्ट लिए हैं, एक प्याली मैंने शिमला मिर्च ली है, दो प्याली मैंने गाजरें ली हैं, एक अदद मैंने कैबिज लिया है, बंद गोभी ली है, एक चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच चिली सॉस, एक चम्मच मैं विनीगर यूज़ करूँगी, एक खाने का चम्मच मैंने नमक लिया है, 5 से 6 अदद मैंने जवे लिए हैं लहसुन के, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 पैकेट मैंने मैक्रोनी ली है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब 1/2 कप ऑयल में मैं लहसुन को चॉप करके डाल दिया है। अब मैं इसको सोते करूँगी। जैसे ही इसमें से थोड़ी सी खुशबू आती है तो मैं चिकन ऐड करती हूँ। अब 1 मिनट लहसुन को सोते करने के बाद इसमें चिकन ऐड करूँ। चिकन ऐड इसमें कर दूँगी। आंच जो है वो आपने मीडियम ही रखनी है। पांच मिनट इसको ऑयल और लहसुन में फ्राई करने के बाद इसमें तमाम मसाले जाएंगे। एक चम्मच इसमें मैं सिरका ऐड करूंगी। और इसको हल्की आंच में गलने दूंगी। जैसे ही ये गलेगा फिर हम इसको भूनेंगे। दूसरी तरफ मैं मैक्रोनी के लिए मैंने पानी लिया है, इसको मैं बॉईल करूंगी। इस दौरान मैं इसमें नमक और ऑयल ऐड करूंगी। आपने 1/2 टीस्पून जो है या 1 टीस्पून आपने इसमें नमक ऐड करना है। दो टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड करना है और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही पानी बॉयल होगा तो इसमें इसके अंदर मैं मैक्रोनी को ऐड करूंगी। अब हम चेक करते हैं चिकन गल गया है। चिकन गल चुका है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड करूंगी। कैरेट डालूंगी। साथ ही बंद गोभी भी ऐड कर दूंगी। आंच को आप थोड़ा सा तेज कर लें।
एक चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच चिली सॉस, अब इसको इसी तरह हम पकने देंगे। ढक्कन बिल्कुल भी नहीं ऊपर रखना आपने। दूसरी तरफ मेरा पानी बॉयल हो चुका है, अब इसमें मैं मैक्रोनी ऐड करूंगी। मैक्रोनी ऐड करने के बाद आपने फौरन ही इसको हिलाना है ताकि ये आपस में जुड़े ना। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चमचा जरूर चलाते रहें, 10 से 15 मिनट तक ये तैयार हो जाती है। मैक्रोनी को अब हम चेक करेंगे कि ये तैयार हो गई है कि नहीं। देखें, ये ज़्यादा कुक करेंगी तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। मैक्रोनी हमारी तैयार है, आप चाहें तो एक निकाल के खा के भी चेक कर सकते हैं। और ये देखें, आपस में ये जुड़ भी नहीं रही। इस स्टेज में हम इसमें जो पानी एक्स्ट्रा है वो निकाल देंगे। चिकन और वेजिटेबल की भी सब्ज़ी देखें रेडी है, पानी इसमें बिल्कुल भी खुशक हो चुका है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब इस स्टेज में हमने जो मैक्रोनी बॉयल की है वो ऐड करेंगे। मैंने मैक्रोनी इसके अंदर ऐड कर दी है। आप इस स्टेज में चेक कर सकती हैं कि आपकी नमक मिर्च जो है वो इसके अंदर ठीक है। अगर आपको फील हो तो आप ऊपर से इसमें ऐड कर लें। लास्ट में मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूंगी। चिकन मैक्रोनी की डिश तैयार हो चुकी है। मैं अब इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप इसे बनाएं मेरे स्टाइल में, आपको बहुत पसंद आएगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।